हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सबनॉटिका। अगर आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमें बहुत सारे काम किए थे, इस वाले एपिसोड में हम बहुत सारे फ्रेगमेंट स्कैन करने वाले हैं और हमें बहुत ज़्यादा डीप जाना है। हम सी मोड को भी यूज़ करने वाले हैं, पर सबसे पहले तो मैं पानी बना लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है। अब ये बिल्कुल ही लो हो रहा है तो मैं फटाफट से पहले पानी बना लेता हूँ। ओके, मैंने दो पानी की बोतलें बना ली हैं, अब फटाफट से इन्हें पी लेते हैं क्योंकि अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है। ओके, तो अभी मुझे अरोरा के अंदर जाना था, पर मैंने रियलाइज़ किया कि उसके अंदर जाने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, और फायर एक्सटिंग्विशर तो हमारे पास पड़ा ही होगा, पर हमें लेज़र कटर भी चाहिए, और लेज़र कटर के लिए हमें दो डायमंड चाहिए, पर हमारे पास एक भी डायमंड नहीं है। हमें डायमंड लेने के लिए सबसे पहले तो ड्राईलैंड में जाना पड़ेगा ताकि हम वहाँ से डायमंड लेके आएँ और अपने लेज़र कटर को बना लें, और पॉपुलेशन के ना तो अभी बन जाएगा। सबसे पहले तो मैं आयरन लेने आया हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे सैंडस्टोन मिल जाएगा तो हम आयरन भी बना लेंगे। ओके, यहाँ पे सैंडस्टोन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, पर लास्ट एपिसोड में हमारा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हमें उसी वक्त ही सैंडस्टोन मिल चुके थे। ओके, तो यहाँ पर ये रहा हमारा फर्स्ट सैंडस्टोन, आई होप इसमें सिल्वर हो। ओके, हमें सिल्वर मिल चुका है। बस मुझे शायद से मेरे पास घर में शायद से एक सिल्वर पैरेट से ही पड़ा होगा, मुझे शायद से और सिल्वर नहीं चाहिए एक वायरिंग किट बनाने के लिए। और यहाँ पे नीचे, ओके, तो हमारी वायरिंग किट बन के तैयार हो चुकी है। अब शायद से मुझे एक टाइटेनियम चाहिए जो कि मेरे पास पहले से ही होगा, टाइटेनियम तो मेरे पास भर भर के पड़ा है। ओके, अभी नीचे टूल्स में आके, और ये रहा हमारा प्रोपल्शन कैनन भी बन के तैयार हो चुका है। मैं इसे यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है। इसे यूज़ करके देखते हैं, इसे उठाते हैं। ओके, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। वो कहाँ चला गया? इसे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक दिया, वो देखो कहाँ पे जा रहा है। वो मैंने इसे उठा के यहाँ पे फेंका, वो पता नहीं कहाँ चला गया। एक और फिश को देखते हैं, इस बार से मैं अपने लाइफ बोट पर मारता हूँ। इच्छा से मर गई ना, ये जिंदा है। इतने प्रेशर से मारने के बाद भी ये अभी ज़िंदा है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने फर्स्ट फिश को तो बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक दिया था। ओके, मैं अपने सीमोत में आ चुका हूँ, मुझे अभी लाइफ फॉर 19 के पास जाना है क्योंकि वो 300 मीटर नीचे है और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स और ऐसी वगैरह वगैरह चीज़ें। सबसे पहले तो मैं उसी की तरफ जाता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डीप है और वहाँ पर क्या पता हमें डायमंड मिल जाए। ओके, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ और ये पूरी लोकेशन ही चेंज हो गई है, सब कुछ डार्क सा हो गया है। ओ, पता नहीं किसी क्रिएचर ने मेरे ऊपर अटैक किया। मेरी एचपी देखो 87 कर दी है, फर्स्ट हिट में एचपी 87 कर दी है। और मैं आगे जा ही रहा था कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक शिप रैक मिल चुका है जहाँ पे नीचे बहुत ही सारे फ्रेगमेंट नज़र आ रहे हैं। ओके, तो मैं वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे कुछ नीचे फ्रेगमेंट्स स्कैन कर लेता हूँ क्योंकि मैं दोबारा तो यहाँ पे आने नहीं वाला। देखो यहाँ पे पहले ही मुझे फ्रेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये एक थर्मल प्लांट का फ्रेगमेंट है, पता नहीं ये क्या है, इसे भी आगे जाके देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या होता है। ओके, ये शायद से हमारा बन के तैयार हो चुका है, ये लास्ट वाला फ्रेगमेंट था। ओके, तो ये बन के तैयार हो चुका है, अभी आगे भी देख लेते हैं। ओके, तो ये एक ब्रॉन्ज़ का टॉर्पेडो आर्म भी हमें फ्रेगमेंट मिल चुका है, शायद से इसके दो और फ्रेगमेंट्स चाहिए, नहीं एक और फ्रेगमेंट चाहिए, फिर हमारा टॉर्पेडो आर्म भी बन जाएगा अपने ब्रॉन्ज़ के लिए। उसे भी हम यूज़ करके फिर देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। और यहाँ पे आगे और कुछ चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही। ओके, यहाँ पे एक थर्मल प्लांट का फ्रेगमेंट है, पर ये हमारे पास पहले से ही पड़ा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्योंकि अगर मैंने उसे स्कैन किया तो उसमें से फालतू चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं सबसे पहले अपने सीमोत में आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे ऑक्सीजन मिल जाती है फ्री में, और मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ क्योंकि मैंने सीमोत को बहुत ही ज़्यादा ऊपर खड़ा किया है। अभी यहाँ पर नीचे आके हम चीज़ें चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें तो नहीं पड़ी। ओके, तो यहाँ पे शायद से ये टॉर्पेडो आर्मी है। ओके, तो ये टॉर्पेडो आर्म है, शायद से हमारी टॉर्पेडो आर्म भी बन के तैयार हो चुकी है, शायद से ये लास्ट टाइम में था। ओके, तो गाइस हमारी टॉर्पेडो आर्म भी बन के तैयार हो चुकी है, अभी हम अपने प्रॉन सूट के लिए टॉर्पेडो आर्म भी बना सकते हैं ताकि हम उसमें से टॉर्पेडो लॉन्च कर सकें। और ये शायद से थर्मल प्लांट का फ्रेगमेंट है, पर हमें थर्मल प्लांट का फ्रेगमेंट नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा पहले ही बन चुका है। अभी मुझे एक मून पोल का फ्रेगमेंट मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक मून पोल का फ्रेगमेंट मिल चुका है, ये पता नहीं क्या है, पर इसे भी स्कैन कर लेते हैं। ओके, तो ये शायद से एक हमारे बेस के लिए काम आ सकता है, और ये शायद से इसका लास्ट फ्रेगमेंट है।
क्या हमें एक और चाहिए? ये शायद से लास्ट वन है। ओके तो गाइस हमारा माउंट पॉल भी बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। अभी मैं सबसे पहले तो ये जो बड़ी वाली शिप है यहाँ पे मैं इसमें भी देख लेता हूँ, पर उससे पहले यहाँ पे आगे एक डेटा बॉक्स पड़ा है इसमें भी देख लेते हैं। व्हीकल अपग्रेड कंसोल का फ्रेगमेंट हमें मिल चुका है। ओके तो शायद से हम अपने सीमोत को भी अपग्रेड कर सकते हैं। अभी शायद से वो अभी और भी ज़्यादा डीप जाने वाला है, मुझे लगा ये बस इतना ही डीप जाएगा। अभी हम फटाफट से शिप के अंदर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमें फ्रेगमेंट्स मिलने वाले हैं। ओके तो इसके अंदर हमें एक ओके गाइस लेट्स गो, हमें एक मॉडिफिकेशन स्टेशन का फ्रेगमेंट मिल चुका है। ये शायद से हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसमें से भी हम बहुत सारे अपग्रेड्स बना सकते हैं, जैसे कि सीमोत का MK डेप्थ 1, और उसके बाद हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे शायद से एक पावर सेल चार्जर फ्रेगमेंट है, ये शायद से नया है, इसे भी स्कैन कर लेते हैं। और मेरी ऑक्सीजन भी जा रही है, और नो जीरो हो गई, और नो गाइड्स, ओह माय गॉड मैं इतने सारे फ्रेगमेंट के साथ आया था। ओह माय फ्रिकिंग गॉड गाइस मैं पता नहीं कहाँ से बचाऊँ, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, मैंने तो W को भी छोड़ दिया था, मैं पता नहीं कहाँ से बचाऊँ। ओह माय गॉड लेट्स गो गाइस, ओह माय गॉड मेरे सारा सामान बच गया। मैं पहले फटाफट से अपने सीमोत को भी रिपेयर कर देता हूँ। ओके तो 100 HP भी हो चुकी है। और यहाँ पे मून पोल का फ्रेगमेंट है, ये भी शायद से हमारा बन चुका है पहले से ही। ओके और यहाँ पे एक और मून पोल का फ्रेगमेंट है पर मुझे नहीं चाहिए। ओके तो अभी फटाफट से लाइफ और 9 के पास चले जाते हैं। ओके तो नीचे ऑल टाइम्स, ओ नो नो ऊपर मैं शायद से और नीचे नहीं जा सकता, अगर मैं और नीचे गया तो मेरा सीमोत ब्लास्ट हो जाएगा, मुझे शायद से यहीं पे ऐसे छोड़ के नीचे जाना पड़ेगा। ओके तो इसे रिपेयर कर लेते हैं पहले तो। ओके तो अभी फटाफट से नीचे लाइफ और 90 के पास जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ओके यहाँ पे एक अबेंडेंट PDA पड़ा है, इसे भी उठा लेते हैं। ओके और यहाँ पे नीचे ओके दो अबेंडेंट PDA मिल चुके हैं हमें। ओके नाइस, और यहाँ पे एक डेटा बॉक्स भी पड़ा है, इसके अंदर क्या मिलेगा? ओके अल्ट्रा हाई कैपेसिटी टैंक का फ्रेगमेंट हमें मिल चुका है, मतलब हम अभी अपने ऑक्सीजन टैंक को भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, शायद से अभी 200 से ज़्यादा तो ऑक्सीजन होने वाली है। और जल्द से कम है एक और ब्लू प्रिंट मिल चुका है, इसे भी उठा लेते हैं, और भी ज़्यादा मिल रहा है हमें। जेल से उठाने पे एक फ्रेगमेंट मिला है, शायद से हम इससे भी और भी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पे और देखते हैं और भी क्या पता चीज़ें पड़ी हों। मुझे एक लिथियम भी मिल चुका है। ओके ये ऊपर शायद से क्या पड़ा है ऊपर? ओके तो मुझे रूबी भी मिल रही है यहाँ पे, और जेल सेक भी ले लेते हैं फटाफट से, और भी शायद से रूबी लगी हुई होगी यहाँ पे। पर उससे पहले मैं फटाफट से अपने सीमोन में जाके ऑक्सीजन लेके आता हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मरते मरते बचाऊँ, और मुझे यहाँ पे इतनी दूर दोबारा नहीं आना अपने सीमोत को लेने। ओके तो यहाँ पे बहुत सारी रूबी पड़ी है, इसे भी इन्वेंटरी फुल करके चलते हैं क्योंकि मैं दोबारा तो यहाँ पे आने वाला हूँ नहीं, ये जगह बहुत ही ज़्यादा दूर है। क्या पता हम फ्यूचर में दोबारा यहाँ पे आए, पर अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की, इसलिए मैं पहले ही रूबी बहुत सारी लेके जाता हूँ। ओके इमरजेंसी। ओके तो अभी हम अपना न्यूट्रिएंट ब्लॉक खा लेते हैं, और यहाँ पे रूबी पड़ा है। मैं पहले ऑक्सीजन लेने आ चुका हूँ अपने सीमोत के अंदर। अभी शायद से और कुछ बचा नहीं है, पर मैं लास्ट बार यहाँ पे देख के जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ पड़ा ही होगा। और नीचे रूबी पड़ी है, और यहाँ पे टाइम कैप्सूल है, मुझे पता है यहाँ से कुछ चीज़ें मिलने वाली है टाइम कैप्सूल से। फटाफट से अपनी इन्वेंट्री खाली कर देते हैं कुछ, अभी हम टाइम कैप्सूल को उठाते हैं क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। और ये ओपन हो गया। ओके तो मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, इन्वेंट्री में देखना पड़ेगा कि मुझे क्या मिला है। ओके तो दो वाटर बॉटल और कुछ फूड मिला है। ओके मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, और हमें यही मिल चुके हैं यहाँ पे। ओके मैं अपनी फटाफट से रूबी ले लेता हूँ जब जो मैंने फेंकी थी, और आगे शायद से और बस इतना ही था। और यहाँ पे एक लेड मिला है हमें, टाइटेनियम को फेंकते थे क्योंकि टाइटेनियम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और मैं लेड ले लेता हूँ अपने लिए। और यहाँ पर लिथियम भी पड़ा है, रूबी भी बहुत सारी पड़ी है यहाँ पर तो। और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया यहाँ पर मेरे हाथ में, पता नहीं क्या आ गया। और ओके ये अभी निकल गया, पता नहीं क्या ही आके चेप हो रहा था। और यहाँ पे आके भी देख लेते क्या पड़ा है। ओके तो मैं पहले ऑक्सीजन लेके आता हूँ, मैं दोबारा मरने वाला था, मैं पता नहीं क्यों ऐसे काम करता हूँ मरने वाले। अभी शायद से यहाँ पे कुछ नहीं बचा, पर मैं लास्ट बार चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या पता कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे और भी आके देख लेते हैं, और शायद से तो अभी कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे तो। ओके नीचे लिथियम मिल रहा है, और यहाँ पे एक टाइम कैप्सूल। ओके गाइस एक और टाइम कैप्सूल मुझे मिल चुका है, और उसमें से रूबी और
पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली हैं, पर मेरी इन्वेंट्री फुल है तो मैं देख नहीं सकता अभी। मुझे कुछ सामान फेंकना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूँ क्या चीज़ पड़ी है, पर अभी मैं उन्हें वहीं पे रहने देता हूँ। और यहाँ पे एक पावर सेल का फ्रेगमेंट है, ये यहाँ पे आया कैसे पावर सेल का फ्रेगमेंट? ओके तो पर मेरा फ़ायदा हो गया क्योंकि मुझे एक पावर सेल का फ्रेगमेंट और मिल चुका है। मतलब मैं अभी घर जाके पावर सेल चार्जर भी बना सकता हूँ ताकि मैं अपने पावर से भी चार्ज कर सकूँ। और मेरे सीमोत की बैटरी पहले ही 75% है, मुझे उसे भी चार्ज करना पड़ेगा। लेज़र कटर के लिए मुझे अभी तक डायमंड ही नहीं मिला ताकि मैं अपना लेज़र कटर बना सकूँ। और ये क्या है, हैबिटेट बिल्डर, और मैं इसे भी बना लिया हूँ ताकि मैं अपने घर जाके अपना बेस बनाऊँ, वहाँ पर हम चीज़ें स्टोर कर सकूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मुझे टन्स ऑफ टन फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं, इंजन एफिशिएंसी मॉड्यूल, स्टोरेज मॉड्यूल, सीमोत सोलर चार्जर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ही सारे फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं। और यहाँ पे ऊपर अल्ट्रा हाई कैपेसिटी टैंक भी हमें मिल चुका है, मैं इसे भी घर जाके बनाने वाला हूँ क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा हाई कैपेसिटी टैंक। शायद से हमारी ऑक्सीजन और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। और यहाँ पे एक थर्मल ब्लेड है, शायद से अगर मैं इससे किसी फिश को मारूंगा तो वो मुझे पहले ही कुकड मिलेगी, मुझे उसे दोबारा फैब्रिकेटर में कुक नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर मैं अपने बेस से बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ या कहीं किसी और जगह पे हूँ, उसके लिए बेस्ट है। और ये ऑन द स्पॉट काम हो जाएगा हमारा। ओके तो मैं अभी फटाफट से इस जगह से जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे और कुछ चीज़ें बची नहीं स्कैन करने के लिए। लाइफ और फाइव पर आता हूँ, फिर वहाँ पे देखते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें रह गई बनाने के लिए। और इसके को भी मैंने पहले एक्सप्लोर कर चुका है अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा तो। ओके तो हम अपनी सीमोत को यहीं पर छोड़ते हैं और अपने इन्वेंट्री को भी खाली करते हैं सबसे पहले तो। ओके तो मुझे एक डीप श्रूम मिल चुका है, शायद से ये उस टाइम कैप्सूल से मिला होगा। और रेडियो पे एक मैसेज आया, इसे भी देखेंगे, सबसे पहले इसे ही दबाते हैं। और ये कैसे टूटा भाई, ये कैसे हुआ? ओके ये अभी रिपेयर हो चुका है। ओके मैं अभी एरो जेल और पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें बना सकता हूँ। आइकलैंड में वहाँ पर गया। ओके मेटल सेलर्स बनाते हैं ताकि मैं एक और लॉकर बना सकूं। मुझे अपनी इन्वेंट्री भी खाली करनी है, बहुत ही ज़्यादा कचरा हो रहा है इन्वेंट्री में। तो कचरा नहीं, बहुत काम काम की चीज़ें पड़ी हैं पर उन्हें भी स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरी इन्वेंट्री बहुत ही ज़्यादा फुल हो रही है। ओके तो मेरा वाटर प्रूफ लॉकर भी बन चुका है, इसे भी यहीं पर रख देते हैं ताकि हम अपनी स्टोरेज भी खाली कर दें। मुझे एक निकल और भी मिला है, ये शायद से मुझे टाइम कैप्सूल से ही मिला होगा क्योंकि ऐसा है तो मुझे निकल और कहीं पर नज़र भी नहीं आया था। और मुझे एक थर्मल ब्लेड भी मिला है, शायद से यह हमें टाइम कैप्सूल से ही मिला होगा क्योंकि मैंने इसे बनाया तो नहीं। ओके और मेरे पास ये पड़ा था सर्वाइवल नाइफ, अभी हमारे पास थर्मल ब्लेड भी पड़ा है। ओके तो और चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या है, पर हमें एक भी डायमंड नहीं मिला ताकि हम लेज़र कटर बना सकें। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं बहुत ही ज़्यादा डीप गया हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरिंग की है, हमने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर की हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंट्स भी स्कैन किए हैं। अगले एपिसोड में हम अरोरा शिप के अंदर जाएंगे और ड्राई लैंड्स में भी जाके देखेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें डायमंड मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। और फिर हम लेज़र कट भी बना सकते हैं ताकि हम अपनी अरोरा शिप के अंदर जाएं और उसके अंदर भी देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।